नमस्कार मित्रों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह पूरी तरह साइंस यानी विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमारी जिंदगी को बहुत ही सरल बना दिया है। आज हमारे भारत में हर वो साधन मौजूद है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास है। आज हमारे पास मोबाइल फोन्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। यातायात के लिए ट्रेन्स एरोप्लेन हैं जिनकी सहायता से हम बहुत ही कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर ये सब सुविधा 10 दिन के लिए बंद कर दी जाए तो आपकी हालत क्या होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये सब आपको मात्र एक कल्पना लग रही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं आज से 1000 साल पहले सब ऐसा नहीं था। ना किसी के पास स्मार्टफोन था और ना ही किसी तरह के यातायात के साधन, ना ही टेलीविजन और ना ही इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी। तो जरा सोचिए, आप इन सब के बिना अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आज से 1000 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे, उनकी वेशभूषा क्या रही होगी और उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रही होगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज से 1000 साल पहले यानी सन 1000 ईस्वी में। दोस्तों, आज जब हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता है ये काफी बड़ा देश है और विश्व पटल पर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन आज से 1000 साल पहले भारत इससे कई गुना बड़ा था। इन 1000 सालों में भारत के कई टुकड़े किए गए और आज भारत दुनिया के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। 1000 साल पहले आज जो भारत है ऐसा नहीं था। उस वक्त भारत पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक भारतवर्ष का निर्माण करते थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त भारत दुनिया का एक बहुत ही विशाल देश हुआ करता था। यही समृद्धि और विशालता इसकी बर्बादी का वजह बनी। पहले मुगल और बाद में अंग्रेजों ने हमारे देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। 1000 साल पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? दोस्तों, भारत उस वक्त एक विशाल देश तो था, लेकिन उसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ ही थी, जो उस वक्त की एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी। क्योंकि 1000 साल पहले चीन, यूरोप और भारत की जनसंख्या ही बहुत ही बड़ी मानी जाती थी। दोस्तों, 1000 साल पहले जनसंख्या कम थी और रहने के लिए जगह ज्यादा, लेकिन आज रहने के लिए जगह कम है और जनसंख्या ज्यादा। 1000 साल पहले भारत के लोग कैसे रहते थे? उस वक्त भारत के लोगों की जीवन शैली बहुत ही साधारण रही होगी। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त के लोग अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर की दूरी ही तय किए होंगे, क्योंकि उस वक्त यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा या फिर बैलगाड़ी ही हुआ करती थी। आप जानते ही हैं, इन संसाधनों से सिर्फ इतनी ही दूरी तय की जा सकती है। उस समय साइकिल का आविष्कार भी नहीं हुआ था। प्राचीन भारत का रोजगार का मुख्य जरिया खेती ही हुआ करती थी। इस वजह से लोगों को अपने गाँव से बाहर जाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। जीवन जीने के लिए जिस वस्तु की जरूरत होती थी वह सब पहले के लोग खेती के द्वारा ही उगा लेते थे। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले भारत देश तो था, लेकिन उसका कोई भी शक्तिशाली लीडर नहीं था। उस वक्त भारत में रियासतों का चलन प्रचलित था, जिस वजह से कोई भी भारतवर्ष को एक करके नहीं रख सका। बस इसी वजह से विदेशी ताकतों ने भारत जैसे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर आक्रमण शुरू कर दिया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी सेना ने आक्रमण किया था। उस समय सबसे पहले अफगानिस्तान के रास्ते मुगल भारत में आए थे। उस वक्त देश में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चकुल्ले जैसे वंश ताकतवर घराने भारत में रहते थे। इसके अलावा पूरा भारतवर्ष छोटे छोटे शासकों तक ही सीमित था। भारत पर मुगल सल्तनत का इतने सालों तक राज करने की मुख्य वजह थी जो हमारे उस वक्त के शासक हुआ करते थे वो पूरे भारत पर राज करने की सोच नहीं रखते थे। यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी बनी और आगे चल के मुगलों ने अच्छी तरह से इसे समझ लिया। 11वीं सदी के अंत में सिर्फ पृथ्वीराज चौहान ही भारत के आखिरी हिंदू शासक बचे थे। उन्हें भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और उन्हीं के साथ हिंदू शासकों का दौर भी खत्म हो गया। 1000 साल पहले दिल्ली का महत्व। आज से 1000 साल पहले दिल्ली हर क्षेत्र में उन्नत थी।
यह देश का केंद्र होने के साथ व्यापार का केंद्र भी हुआ करती थी। इस कारण से उस समय के शासक का एक ही सपना हुआ करता था, दिल्ली पर राज करना। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। ये सिर्फ कहावत नहीं है, असल में आज से 1000 साल पहले का समय भारत के लिए आर्थिक रूप से सुनहरा समय माना गया है। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है। एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफी आगे दिखाई देता है, पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में 30% गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भारत ही करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीज एक्सपोर्ट करता था। दोस्तों, भारत विशेष रूप से मसालों के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही फेमस था। यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे, तभी तो यूरोप के देश भारत के बारे में आज भी कहते हैं कि भारतीय बहुत ही ज्यादा मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज की बात नहीं है, बल्कि हम बहुत पुराने वक्त से मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं, या यूं कहें कि मसालों के जनक हम ही हैं, तो यह भी कहना गलत नहीं होगा। 1000 साल पहले देवी देवताओं का चलन, जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में प्राचीन काल से ही देवी देवताओं की मान्यता का महत्व है। ऐसा ही कुछ 1000 साल पहले भी था। भारतीय लोगों ने इस दौर में विश्व भर में विशालकाय मंदिर, भवन और नगरों का निर्माण किया। कहा जाता है आज से 1000 साल पहले भारत में बड़े बड़े राजा महाराजाओं का शासन काल हुआ करता था, जिनका शासन काल दैवीय शक्तियां चलाया करती थीं। लोगों की मान्यता है कि आज भी कई लोगों के पास दैवीय शक्तियां मौजूद हैं, जो उसी दौर से चली आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी भारत के एक हिस्से बुंदेलखंड में प्रचलित है। 12वीं शताब्दी में आला उदय नाम के दो भाई हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है दोनों भाइयों में से बड़े भाई आला को देवी ने अमरता का वरदान दिया था। इन दोनों भाइयों ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से सभी लड़ाइयों में इन्हें जीत मिली, क्योंकि ये देवी की पूजा किया करते थे। 1000 साल पहले भूत प्रेत पर विश्वास करना। अब जैसे उस दौर में देवी देवताओं की मान्यता होती थी, तो भूत प्रेत पर विश्वास करना लाजमी है, क्योंकि जिधर अच्छाई होती है उधर बुराई भी जरूर आती है। तो लोग टोटके, काला जादू, तंत्र विद्या, इन सब पर विश्वास किया करते थे। उन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में भूत प्रेत का बहुत ही डर होता था। ऐसी ही एक मान्यता है राजस्थान में मौजूद कुलधारा गांव की, जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा हुआ है। माना जाता है इस गांव को आज से लगभग 700 से 800 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था, लेकिन आज इस जगह पर कोई दूर दूर तक नहीं भटकता। मान्यता है कि सन 1800 के दशक में यहाँ के रियासत के दीवान सालेम सिंह की नजर गांव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर थी। वह उसके साथ विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव के ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहते थे। ऐसे में सालेम सिंह ने सभी गाँव वालों को धमकी दे दी थी कि अगर ब्राह्मण पुत्री का विवाह उसके साथ नहीं हुआ तो वो पूरे गाँव को तहस नहस कर डालेगा। ऐसे में गांव के सभी पालीवाल ब्राह्मणों ने ये फैसला लिया कि वो रात को ही गांव छोड़ देंगे। उसके बाद सभी ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से भाग गए। जाते वक्त उन्होंने एक श्राप दिया था कि जो भी कोई इस गांव में बसने के लिए आएगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गाँव के आसपास के लोगों का मानना है इसी श्राप की वजह से यहाँ पर आज भी भूतियाएं घटनाएं होती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यह गाँव लोगों ने इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पर सूखा और पानी जैसी समस्याएं हो रही थीं। 1000 साल पहले जातिवाद। आज से 1000 साल पहले हम ये तो कह सकते हैं कि जातिवाद अपने चरम पर था। छुआछूत जैसी बातें आम थीं, लेकिन उस समय एक चक्र बना हुआ था जिसके तहत सबके अपने अपने काम बटे हुए थे। जैसे सोने का काम सोनार करता था, लोहे का काम लोहार, लकड़ी का काम बढ़ई करता था, ये सब लोग इसी तरह से अपने अपने काम किया करते थे। हालांकि लोग उस समय जाति के आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा किया करते थे, क्योंकि आज से 1000 साल पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, फिर चाहे उसमें राजा बनने की काबिलियत हो या ना हो, लेकिन राजा वही बनेगा।
क्योंकि उस समय भारत में राजा महाराजाओं का दौर था, उन्हीं के बनाए नियम थे और उन्हीं की बनाई हुई सजा। दोस्तों 1000 साल पहले लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे। भारत की उस वक्त की 90% आबादी गांव में ही रहा करती थी। गांव की जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर थे। उस वक्त जलवायु परिवर्तन की इतनी ज्यादा समस्या नहीं थी, इस कारण खेती करने में कोई भी रुकावट नहीं आती थी। उस वक्त के गांव आज के गांव जैसे नहीं थे। उस वक्त के गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करते थे। हर गांव में एक मंदिर जरूर होता था, जिसमें लोग रोज शाम को खेत से आने के बाद भजन कीर्तन किया करते थे। भारत में 1000 साल पहले बाजार भी हुआ करते थे, लेकिन वो आज की तरह आधुनिक तो नहीं थे, पर वहाँ पर जरूरत की चीजें मिल जाया करती थी, जैसे कपड़े, खाने के सामान, मसाले, पूजन सामग्री इत्यादि। उस वक्त मुद्रा का चलन तो था ही, साथ में वस्तु विनिमय प्रणाली भी चलन में थी। दोस्तों आज की तरह ही उस वक्त भी शादी एक महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी और उसे उतनी ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। हर गांव में ये रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी और इसलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव में और दूसरे गोत्र में ही होती थी। शादी का कार्यक्रम आज की तरह एक या दो दिनों में नहीं समाप्त होता था, बल्कि 1000 साल पहले शादियां 7 से 10 दिन तक चलती थी। बारात का आना, उनकी मेजबानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। आज की तरह नहीं था कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्साह हो। उस समय किसी की भी शादी हो पूरा गांव में उत्साह होता था, मानो उन्हीं के घर में बारात आने वाली हो और उनके ही पुत्र पुत्री की शादी होने वाली हो। कुछ ऐसा था 1000 साल पहले का भारत। आपको 1000 साल पहले का भारत अच्छा लगा या आज का भारत, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।